मेरे प्रिय लोगों, वापिस आज सुबह यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देता हूं। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ हम चलते हैं, उसके साथ बात करने का मौका हमें मिल रहा है। आज परमेश्वर मालूम है हमें कौन सा वचन देता है, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वां वचन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आज के दिन आप पवित्र आत्मा के साथ जब चलोगे, उसके साथ जब बात करोगे, अपने खुद के काम जो कुछ भी हो जब आप करोगे, परमेश्वर एक बहुत बड़ा आशीष जो देता हुआ है, परमेश्वर की सहायता के साथ क्या है, एक गवाही भरी जिंदगी। गवाही ही मेरे परमेश्वर के लोगों हमें सर उठाकर जीने लायक बनाता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को देखकर, हे परमेश्वर की आत्मा, आज पूरा दिन जो है गवाही बनकर रहने के लिए मेरी नजरें, मेरी मुंह की बातें, मेरी सोचें, मेरे विचारों में, इन सभी चीजों में, हे परमेश्वर, मुझे शत्रु कभी मुझ पर दाग ना लगा दे, एक गवाही भरी जिंदगी मुझे देकर हे परमेश्वर की आत्मा मेरी सहायता करे। ऐसी सोच आपके मन में आज सुबह ही आप रख लीजिए, क्योंकि वह आपके अंदर जब आता है, परमेश्वर बताता है, बाइबल बताती है, वह हमें सामर्थ बनाता है, हमें सामर्थ देकर हमारे रिश्तेदारों के बीच, हमारे विश्वासियों के बीच, यीशु मसीह को जो नहीं जानते उनके बीच, सभी जगहों में आपको गवाही के रूप में रखता है। इसलिए आपकी प्रार्थना आज क्या है, हे परमेश्वर मुझे गवाही बनकर रहने लायक बना दे, कोई मुझे कुछ भी ना कह दे, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। उस दिन दानियल को वो देख रहे थे कि कोई कमी उसमें हो, पर उसमें कुछ नहीं देखा। इसलिए आज के दिन परमेश्वर आपको गवाही के रूप में रखे, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ रहकर आपको गवाही के रूप में वो रखता है, इसमें किसी तरह की शंका नहीं है। ठीक उसी तरह दो प्रकार की गवाही है, गवाही कहना यीशु मसीह के बारे में, अगर कहें तो परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, मुझे अद्भुत किया, मुझे आश्चर्य काम किया, वह जो गवाही बोलना है, और उससे बढ़कर है गवाही के रूप में जीना, सभी परिस्थिति में अपनी पवित्रता को संभाले रखें, हर स्थिति में आनंद से रहें, सदा परमेश्वर का बच्चा हूं ऐसा स्थान कभी ना छोड़ दें। तो इसीलिए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, प्रार्थना कीजिए। हमारे प्यारे परमेश्वर, पवित्र पिता, आज के दिन तेरे बच्चों को जो बहुत बड़ा आशीष तू देने वाला है, गवाही से भरा हुआ जीवन, बातों में, नजरों में, आने जाने में, अपने कपड़ों में, हे परमेश्वर, सभी चीजों में तेरे बच्चे तेरा रूप धारण करें। गवाही को खराब करने के लिए शैतान सदा कोई ना कोई काम करता रहता है, हम पर जो है अपने तीर वो डालता है, शत्रु के नजरों से हमें बिल्कुल हटा कर रख। आज पूरा दिन हे परमेश्वर तेरे बच्चों को ये आवाज लगातार सुनता रहे, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ, हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक आवाज गूंजता रहे। इस प्रार्थना को तूने जवाब दे दिया, इसे तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।